सो फ्रेंड्स, आज हम एक और केमिकल रिएक्शन यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं और ये केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है जो कि 10th क्लास CBSE के अंदर इंट्रोड्यूस है फर्स्ट चैप्टर में ही। और इस रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट है उनको एक रिएक्टेंट का नाम रहेगा लेड नाइट्रेट और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो है पोटाशियम आयोडाइड। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ क्या करना है। पोटाशियम आयोडाइड जिसको हम KI से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना होगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि पोटाशियम आयोडाइड का जो सॉल्ट होगा उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे उसको। आफ्टर देन हमें लेड नाइट्रेट PbNO3 बाहर 2 उसका भी एक एक्वस सॉल्यूशन बनाना होगा। सॉलिड सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करना है, डिस्टिल वाटर इसमें यूज़ करना होता है और दोनों ही कलरलेस ये सॉल्ट होते हैं, लेड आयोडाइड भी और लेड नाइट्रेट भी कलरलेस सॉल्ट हैं। दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड लिखा हुआ है PbI2 और ये येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, PPTs मिलेगी और साथ में एक्वस जो सॉल्यूशन रहेगा वो पोटाशियम नाइट्रेट का रहेगा जिसको हम KNO3 कहते हैं। आफ्टर देन ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड की हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ लेड नाइट्रेट लिखा हुआ ये होता है लेड नाइट्रेट इसके बीच में और सेकंड हमारे पास रिएक्टेंट रहेगा पोटाशियम आयोडाइड। तो आप देख सकते हैं पोटाशियम आयोडाइड और इसको हम इन दोनों को लेने के बाद हम मिक्स करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं फर्स्टली। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लेड नाइट्रेट जो है ये टेस्ट ट्यूब में बॉटम एंड में ये देखने को मिल रहा है। अब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ये बीकर में मेरे पास डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसकी जो pH है वो लगभग 7 pH होनी चाहिए। डिस्टिल वाटर का मतलब ये है, ये देखिएगा लेड नाइट्रेट एक तरह से वाइट अभी कलर मुझे दिखा रहा है, ये देख सकते हैं मिल्की कलर है, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है। अभी इसको थोड़ा सा हम शेक कर लेते हैं सो दैट अच्छे से सॉल्ट सभी सॉल्ट मिक्सअप हो जाए वाटर के साथ। और अभी इसी टेस्ट ट्यूब को मैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देता हूँ बिकॉज मुझे पोटाशियम आयोडाइड का भी इसी तरह सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना है। तो एक और टेस्ट ट्यूब हमने ले ली है और इसमें हम डालेंगे पोटाशियम आयोडाइड जिसका फार्मूला होता है KI। तो फ्रेंड्स, पोटाशियम आयोडाइड इस स्पैचुला में आप देख पा रहे होंगे ये भी एक तरह से वाइट कलर का ही सॉल्ट होता है। पोटाशियम आयोडाइड स्पैचुला में मैंने लेके रखा है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिएगा मैंने सेट कर दिया है कैमरा और इसको आप ऑब्ज़र्व करें अच्छे से और इसका हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। और जो सेकंड टेस्ट ट्यूब थी, जो वैकेंट टेस्ट ट्यूब, इसमें मैं ये सॉल्ट जो कि पोटाशियम आयोडाइड का है इसको डाल देता हूँ। तो ये सॉल्ट आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्ट है, ये देखिएगा ये भी वाइट क्रिस्टल ही होता है, कलरलेस बोलते हैं इसको, वैसे कलरलेस सॉल्ट है। और इसमें हम अभी वाटर ऐड करने वाले हैं, डिस्टिल वाटर वो भी। तो ये पानी है, इसको कुछ 2-3 ml या 4-5 जैसे भी आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लगभग मैंने सॉल्ट के हिसाब से इसको 1/4 टेस्ट ट्यूब ले ली है और ये जो सॉल्यूशन है एकदम से कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है, ये देखिएगा। इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार, ये सॉल्ट पोटाशियम आयोडाइड KI का है। तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। अभी हमें करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, दोनों ही सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें पोटाशियम आयोडाइड
एंड लेड नाइट्रेट होगा, दोनों को मिक्सअप करना है और देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स आपके सामने दोनों ही टेस्ट ट्यूब ये हैं, ये रही, और ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैं फिंगर लगा रहा हूँ ये है लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, और ये जो एकदम से ट्रांसपेरेंट है वो है पोटाशियम आयोडाइड का। तो चलिए मिक्स करते हैं इन दोनों को और देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है। वेट करिए, तो मैं पोटाशियम आयोडाइड जो है लेड नाइट्रेट में ऐड करने वाला हूं, आप इसको ऑब्जर्व करते रहें। 1 2 3 ये देखिएगा, ये देखिएगा, और बिल्कुल एक येलो प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिल रहे हैं। ये दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, अभी वेट करिए, ये देखिएगा, और बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो गया। जैसे ही मैंने पोटाशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डाला, तुरंत हमें ये रिएक्शन देखने को मिला, केमिकल रिएक्शन जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन कह रहे हैं, और बहुत जल्दी इसमें प्रेसिपिटेट भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखिएगा प्रेसिपिटेट भी बन जाएंगे बहुत जल्दी। थोड़ा सा इसको मैंने शेक कर दिया है, ये देखिएगा, और अभी हमारे पास जो बनेगा, जो प्रेसिपिटेट बनेंगे फ्रेंड्स, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ, लेड आयोडाइड PbI2 जो होगा वो येलो प्रेसिपिटेट देता है, और वाइट कलर या कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन जो बनेगा वो पोटाशियम नाइट्रेट का यहाँ सॉल्यूशन बनने जा रहा है। और ये देखिए जो अपर पार्ट है अभी इस टेस्ट ट्यूब का, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक अलग सेपरेटिंग लेयर बनाने जा रहा है। ये देख सकते हैं बहुत जल्दी ये हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है, और प्रेसिपिटेट भी बहुत जल्दी बॉटम एंड में हमें देखने को मिलने वाले हैं। और आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, बहुत इंटरेस्टिंग एक रिएक्शन है, बहुत जल्दी ये रिएक्शन होने वाली है। ये देखिएगा आपके सामने ये कलरलेस सॉल्यूशन बिल्कुल सेपरेट होते चला जा रहा है, और प्रेसिपिटेट फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन होने के बाद बहुत जल्दी से हमें टेस्ट ट्यूब के बॉटम एंड में देखने को मिल रहे हैं। ये देखिएगा कितना इसका गैप बहुत ज़्यादा हो गया, ये देखिएगा दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेयर, और ये और ज़्यादा होगा जैसे जैसे इसको टाइम मिलता जाएगा, ये पार्टिकल्स बॉटम एंड पे इस एंड में बहुत जल्दी से प्रेसिपिटेट हो करके फॉल डाउन होने वाले हैं, इनका PPTs बनती हैं इनको, हम प्रेसिपिटेट को PPT भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और कहते हैं इसमें पोटाशियम नाइट्रेट इस एक्वस सॉल्यूशन से बाद में फिल्टर आउट कर लिया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ तक कि CBSE 10th क्लास का क्वेश्चन क्रिएट होता है, और बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको करके बता दिया है। यू कैन सी फ्रेंड्स विद इन 4-5 मिनट्स ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो रहे हैं बॉटम एंड में, आप देख सकते हैं, और सेपरेटिंग जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के इस जगह का, दैट इज़ गोइंग टू कंटिन्यूस इंक्रीज, बहुत जल्दी से ये बढ़ रहा है, ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आप लगभग 10 मिनट के बाद प्रेसिपिटेशन देख पा रहे होंगे रिएक्शन को, ये देखिएगा जैसे जैसे टाइम और बीतता चला जाएगा, कंज्यूम होगा जैसे रिएक्शन में, तो ये लेड आयोडाइड और हमें डेप्थ में बॉटम एंड में देखने को